हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 31st ऑफ दिसंबर, ईयर का लास्ट डे। एंड मेरी धनवी की तबीयत बहुत ख़राब है। जब से हम लोग आए हैं आसनसोल से, बहुत ख़राब है इसकी तबीयत। और डे बाय डे कुछ ना कुछ इसको हो ही जा रहा है। तो मेरा मेरा लाइक ये सबक हो गया, इसको लेके तो हम ठंड में कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। और परसों जो ये गिरी है उसके बाद से मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया, अभी टाइम दे। अभी हो रहे हैं 5:30, ऑलमोस्ट हो गए हैं, 5 हो गए हैं ऑलमोस्ट। और मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट करा क्योंकि आज मैं गद्दा लाने गई थी, मतलब मैट्रेस लाने गई थी, क्योंकि धनवी को मैं नीचे ही लेके अब रहूँगी। मैं बार बार बोल रही थी कि मैं सोच रही हूँ सोच रही हूँ, बट नहीं, अब सोच वोच नहीं रही हूँ। अब मैं धनवी को वैसे लेके ही बैठूँगी क्योंकि इट्स हाई टाइम कि मैं अब धनवी को, मतलब इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और आज इनके फ्रेंड्स आने वाले थे घर पे, तो मैंने सोचा जब मुझे करना ही है तो मैं आज ही कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेट फिर उन लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। तो धनवी, धनवी से हाय बेटा। हाय हाय, कितना सीख गए रे धनवी। राम राम करिएगा तो राम राम। फू 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 नहीं धनवी, फू 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 नो बेटा। फ्लाइंग किसी कर लीजिए, फ्लाइंग किसी कर लीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 बेटा, ऐसे ऐसे बेटा। मैं बच्चा है तो मैं बाबू है धनवी। नो बेटा, गंदा गंदा बात मत सीखिए। ये मुंह पोछिए, मुंह पोछ। देख कैसे कर रहा है, देख कैसे कर रहा है लड़की। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने धनवी का बेड कैसे सेट करा है। और आपके भी अगर छोटे बच्चे हैं ना भाई, छोटे बच्चे हैं और इतने ही आतंक हैं, ये तो काफी आतंक है। हम इतना शैतान बच्चा, हम सोच ही नहीं थे मेरा बच्चा इतना शैतान होगा। क्योंकि मैं बोलूँ तो मैं बहुत शांत हूँ। पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़े में जाना, उठे ना। मतलब हूँ हुलचुल हुलचुल तो हूँ, बट फिर भी शांत हूँ। मैं जैकेट पहन लेती हूँ, पर मुझे ठंडी लग रही है। हाँ, मैं अब दिखाती हूँ आपको। मैंने इस तरीके से मैट्रेस लगा दिया है ताकि धनवी आराम से यहाँ पे सो भी सके और खेल भी सके। और मैट्रेस पे मैंने थोड़ा मोटा वाला लगाया, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं वहाँ भी जाऊँगी, खरमास के बाद मैं घर चली जाऊँगी। तो हाँ, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा गुन्ना बेटा, मेरा मेरा जिड्डू बेटू, वो तो आएगा। तो मैं वहां भी जाऊंगी, तो अपना जो पलंग है उसको मैं बाहर कर दूंगी खोल खाल के, या फिर स्टोर रूम में डाल दूंगी क्योंकि उसके अंदर भी काफी सामान है। तो अगर उसको मैं खोल के रखती हूँ तो मेरा उसका सारा सामान जाएगा कहाँ। तो मैं उसको स्टोर रूम में डालूंगी और उसका मैट्रेस निकाल के फर्श पे बिछा दूंगी। वहां पे ना फर्श पे बिछाने का एक इश्यू है कि वहां पे टोनी है, सो थोड़ा सा दिक्कत है। हेलो, हाँ नानी आई है, क्या लेके आई है नानी? क्या क्या लेके आई है सामान? सब लाने गई पूरा पूरा बुआ को। क्या ये छोटे दिखाने, मम्मी सामान लेके आई है। ये क्या है, ये क्या है? और ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, तो मैं वहाँ पे आ गया। बोल रही कि वहाँ पे टोनी है, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे ये रहना पड़ेगा टोनी से, क्योंकि फिर उसके बाल बाल आएंगे। और इसको इससे हमको इतना डर लगता है ना बच्चा से मेरा, इसको कब इन्फेक्शन लग जाए, कब इसको सर्दी हो जाए, कब खांसी हो जाए, कुछ पता नहीं। सो ठंड भी काफ़ी है। और ये बहुत सही, बहुत सही है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसके लिए।
और ये बहुत सुंदर भी लग रहा है, मतलब पूरा रूम कंप्लीट लग रहा है। अभी जब मैं जाऊंगी तो मैं कुछ सामान लेके जाना है मुझे यहाँ से, तो रूम और भी खाली होगा। सो ये बहुत ज़रूरी था बुआ के लिए, तो बहुत, जब तक वो 2 या 3 ईयर्स की नहीं होती है तब तक तो मैं उसको ऐसे ही नीचे ज़मीन पे फर्श पे ही बेड वेड लगा के उसको रखूँगी। हुआ था ना ये वाला सिंगल बेड वाला, तो मैंने इसको बाहर हॉल में कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे इसको लगा दिया। सो यहाँ पे भी सही हो गया कि किचन में मम्मी खाना बनाएगी या खाना बनाएंगे, यहाँ पे लोग बैठ के खाएगा। क्या बोला? दे दिया। हाँ? क्या बोला? बोला डॉक्टर को जाएगा, ये तो मैं नहीं खेला तो सब गया। टिमनिक दिया, टिमनिक बोला चलाइए 7 बजे का बंद दिया, जल्दी से। हाँ, ये टिम दे, टिमनिक ही दिया है? नहीं, और दिया, टिमनिक भी देगा, ले देना होगा। तो क्यों लोना आता है? देखो जला इसको, भाई मामा को गोदी चाहिए इसको, भाई मामा को गोदी चाहिए इसको। आज तो बड़ा दम मस्त सोएगा, धन भी गिरने का तो डर नहीं होगा आज। लेकिन तो हम लोग गए थे बाहर और मुझे देख के हंसना नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही है आज, उसको ठंडी लग रही है, कभी नहीं लगती, आज लग रही है ज़्यादा ही ठंडी लग रही है आज। और पता है अभी मैं गई थी बाहर, ठीक है, तो वहाँ पे एक ना गुंडा जैसा लड़का आया, पूरा दाढ़ी इतना लंबा लंबा था, पूरा इतना लंबा दाढ़ी था, और पहले मेरा बना दो बस मेरा ध्यान गया, क्या 31st है और मेरे मोहल्ले में होता है दिन दिहाड़े चोरी, छीना छोड़ी सब कुछ। मेरा ध्यान आया कि अरे हम कान का पहने वैसे से खींच कैसे से पूरा ढक लिए, पूरा चेन लगा लिए, और था हाथ में रिंग था तो पॉकेट में डाल लिए, और बउआ को बोले बउआ तुम ले लो। सो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, क्या करें, अब जीना है। 31st और एक जनवरी 31st वो तो उस दिन तो ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन अगर आपको जीना है इन झुंड के बीच में ही तो ऐसे ही जियो, और क्या कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और हमने क्या क्या खाया वो भी बता दे, उन लोग के वजह से आदमी सादा तो नहीं रह सकता। पहने गए बताओ, थोड़ा ज़्यादा पहने कम पहने, पहने गए। और मेरा है कि मेरे पास नहीं है तो हम नहीं पहनेंगे, लेकिन हम आर्टिफिशियल जल्दी नहीं पहन सकते, वो मेरा अपना वो है, मतलब हम नहीं, क्योंकि हाँ वो नहीं, हमको पहनने में कुछ वो नहीं, हम पहनते हैं वो सब भी पहनते हैं, लेकिन अगर हम मान लो अगर होगा ना कि हाँ ये अच्छा लग रहा है हम कान में डाल लें, बस मेरा कान पक जाएगा, बड़ा घाव हो जाएगा, इसीलिए मेरे पास एक ही रहेगा, तो हम एक ही चीज़ को कंटिन्यू यही पहनते रहेंगे, यही पहनते रहेंगे, लेकिन हम गलती से भी आर्टिफिशियल नहीं डालेंगे। अगर हम पहनेंगे तो अगर हम आर्टिफिशियल रिंग डालनी है तो पूरा ये सब ना काला काला हो जाएगा, और एकदम इतना एचिंग होगा, उसको खोल के फेंकना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। हाँ, मुझे बाला वगैरह चूड़ी वगैरह ये सब हम पहन लेंगे, बाकी उसकी हार्मेंट करें, क्योंकि हम तुरंत, मेरा स्किन इतना ख़राब है, सेंसिटिव तो बोलेंगे ही पर ख़राब भी है, ऐसा स्किन किसी का भी नहीं होना चाहिए कि अगर मॉइस्चराइज़र लगा लो सनस्क्रीन लगा लो तो आपको दिक्कत हो, अगर आप मेकअप करके कहीं जाते हो आके रिमूव नहीं करो, या फिर घंटा दो घंटा भी ज़्यादा रह गया तो पूरा पिंपल्स आ जाएगा, और मेरा जैसा स्किन किसी का भी नहीं होना चाहिए। और जस्ट मेरा वाला कॉपी ही मेरे बाबू को मिल गया है, उसके ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है। कल मैं एक ऐसे ही खरीद के लिए आई नज़रिया टाइप उसका पहनाने के लिए, अब क्या हुआ कि उसका बाला खोल के मैंने वो पहना दिया, अब उसका हाथ वाथ पूरा लाल लाल हो गया, मैं झट से उसको देखो दिखाती हूँ, ये था, तो मुझे लगा कि उसको नज़र वज़र लगा है, क्या लगा है, तो मैं इसको ये ला के दे देती हूँ, ये पहनेगी अपना आराम से, नज़रिया टाइप का था, क्योंकि जो इसका बाला है वो वाला ये ब्लैक बीट्स वाला वो उसको बड़ा होता है, तो मैंने सोचा यही ला के दे देते, पहन लेगी बच्चा है क्या होगा, पूरा उसका हाथ लाल 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 लाल, मैंने बोला कान पकड़े भाई, कुछ कुछ चीज़ का मतलब 90% चीज़ तो इसका पापा वाला इस पर गया है, 10% इस पर, पर मेरा जो 10% भी इसमें गया है ना वो बहुत ख़राब है, तो मैं तो चाहती थी कि 100% पापा पे ही जाए इसका, मेरे पे तो ना ही जाए, क्योंकि मेरा हर चीज़ जो भी इसके पास गया वो ख़राब ही गया है। बस मेरा वाला एक चीज़ इसमें आना चाहिए, वो है फैमिली बॉन्ड, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, और
मैं अपनी तारीफ इस चीज़ में कर सकती हूँ क्योंकि मैं हूँ, मुझे हाँ। और हम जैसा खाना बनाते हैं उसमें वो चीज़ आना चाहिए। और हाँ, खाना बनाना आना चाहिए। ये पूछ रही थी कि दीदी तुम खाना बनाना कैसे सीखी, तुम तो मतलब नानी घर में भी रहती थी तो तुम पढ़ाई के उससे ही रहती थी, इसके बाद तुम हॉस्टल में रही बहुत दिन तक, वहाँ तो खाना बना तुमको बनाना नहीं था, तो तुम खाना बनाना कैसे सीखी। तो हम इसको बताएं कि नानी ना, मेरे नानी घर और का जो घर था ना, रूम और किचन एकदम बगल बगल में था, ठीक है। तो मैं स्कूल से आती थी शाम, वहाँ मैं नानी खाना बना देती थी और मैं वहाँ चौखट पर बैठ जाती थी, तो मैं देखती रहती थी कि नानी मसाला क्या डाल रही है, कैसे क्या कर रही है, तो मतलब ऑब्ज़र्व करती रहती क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो था कुकिंग में। उसके बाद ना मामा क्या करता था कि पहले तो पूरा घर वहाँ पे ना खुला खुला था, तो हम खाना बना देते तो होता नहीं है कि हाँ टेस्टिंग किसी किसी को करा दी है तो लोग भी तारीफ़ करते थे, तो तुम तारीफ़ के तो मरे हुए हैं ही, मैं तारीफ़ करूँ हमको बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ना हम घर जाते थे बढ़िया वगैरह, तो डैडी ना बोलते थे कि हाँ बनाएगा तो 50 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे, बच्चा लोग को तो ऐसे ही बहलाया जाता है। तब बोलता था कि अरे हम कुछ अच्छा बनाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, और कुछ अच्छा ही मिलेगा खिलाएंगे पिलाएंगे तो। और ना हम ख़राब भी बनाते थे ना तो डैडी अरे बड़ा अच्छा बनाया, तारीफ़ तो हम तारीफ़ की, उसमें ना हमको इंटरेस्ट आता था खाना बनाने में, तो ऐसे करते करते सीख गए। उसके बाद अब जब पीजी लेके रहने लगे ना, तो वहाँ पे तो हमको खुद से खाना बनाना था क्योंकि पटना में कुक वगैरह बहुत महंगा है भाई, और स्टूडेंट लाइफ में हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे 6,000 का कुक वगैरह, क्योंकि हम अकेले ही रूम में रहते थे, तो अकेले रूम का रेंट दो फिर उतना कुक का रेंट दो, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम क्या ना खुद से ही खाना बनाते थे, तो स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत कभी कुछ जल जाता था, कभी ख़राब हो जाता था, ये वो, बट हम एक्सपेरिमेंट करते करते ही रहते थे। फिर शादी करके जब गए, हाँ उसके बाद ना फिर जब हम मम्मी के साथ, जब डैडी का वैसे हो गया तो जब मम्मी के साथ आए तो मम्मी ना एक टाइम का खाना बोलती थी तुम बनाओ, एक टाइम का हम बनाएंगे, तो सुबह का खाना मम्मी बनाती थी और शाम का मेरे पे छोड़ती थी, खाना नहीं रोटी वगैरह नहीं, सब्जी जो भी बनाना बनाओ, कचौड़ी बनाना बनाओ। हमको ना फैंसी खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता था, दाल चावल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था बनाने में, बट नाउ आई रियलाइज़ कि जो भी आपको हेल्दी बनाता है वो नॉर्मल खाना ही, लेकिन पहले बच्चा वाला दिमाग था वो तो थोड़ा सा वो था। बस यही ऐसे ऐसे करके हम खाना बनाना सीखे और यही था मेरा जर्नी। फिर हम शादी करके जब गए तो वहाँ जब हम खाना बनाए तो वहाँ का लोग भी तारीफ़ किया कि हाँ बड़ा अच्छा खाना बना, तो हमको तारीफ़ का मरे हुए। हम खाना बनाएंगे तो अगर मान लो कि हम नॉर्मल चाय भी बनाएंगे ना तो हम पूछेंगे कैसा बना, और अगर मान लो ख़राब बोल दिया तो मेरा तो गुस्सा आता है, खुद ही बना लो। हम का जानते ख़राब भी तो बन ही सकता है, लेकिन हमको लगता है कि मेरा ख़राब खाना भी बना तो कोई हमको ख़राब नहीं बोले, अच्छा अच्छा ही बोले। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर में, और मेरे से ही कुक करना सीखी है, झूठ बोल रही है। चाय तो ढंग से बनता नहीं है इससे, चाय में बहुत बाजार में पूछो ऐसा चाय बनाए कि ना जहर, इतना मीठा। अब तुम मीठा नहीं पीती तो क्या करो, जिसमें चीनी ना वो पीती है तो तुम्हें क्या। हाँ हमको बहुत कम मीठा चलता है, हम बहुत कम मीठा चाय पीते हैं, मतलब इतना कड़वा, सिर्फ चपाती डालो, चीनी डालो ही मत, नहीं डालोगे तो हम पी लेंगे, मेरे लिए वो भी सही है, बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा चीनी डाल दो। क्यों टेस्ट के लिए भी क्यों डालना, पहले चाय पत्ती चीनी खोला के कर देना बड़ा है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, 31st कैसे सेलिब्रेट करूँगी, नहीं करूँगी सेलिब्रेट तो कुछ भी नहीं करूँगी भाई, क्योंकि ये कोई वैसा धनवी का वो नहीं है। क्रिसमस मैंने सेलिब्रेट इसलिए किया क्योंकि धनवी का फर्स्ट क्रिसमस था, बट 31st वगैरह नहीं, क्योंकि एक तो मन नहीं है, दूसरा तबीयत भी सही नहीं है, और तीसरा कि करने का भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने घर पे होती तो सबके वजह से, मतलब वहाँ तो करेगा ही सब कोई, लेकिन यहाँ पे हूँ तो मम्मी तो कुछ भी नहीं कर रही है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे मायके के साइड कुछ ऐसा हादसा हुआ है, सो वैसा तो कुछ करूँगी नहीं, मन भी नहीं करता वैसा कुछ करने का, क्योंकि ध्यान कहते ना ऐसे खिंच जाता है उधर, अगर कितना भी मन डाइवर्ट करते ना ध्यान उधर खींच ही जाता है थोड़ा, एक दिन भर में एक ना एक बार मतलब टॉपिक वैसा स्टार्ट हो जाता है या मन उधर चला जाता है, तो इसीलिए ये सब तो कुछ नहीं करना मैंने, बस धनवी का जो फर्स्ट थिंग होगा मैं उसको सेलिब्रेट करूँगी, तो क्रिसमस था तो मैंने उसको कर दिया। बाकी घर में हम सब बीमार हैं, धनवी बीमार है, और हम सब का तो मैनेजेबल है,
लेकिन धनवी का तबीयत ख़राब मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल जैसे खाना वाना बनता वैसे बना और नॉर्मल ही खाना, इवन इससे अच्छा खाना तो हम लोग ऐसे नॉर्मल डेज पे खा लेते ना ये सब। और अगर इनके फ्रेंड्स आते हैं तो मैं थोड़ा कुछ बनाती बनाती भी, बट वो भी नहीं आ रहे। तो और छुटंगी कितनी लड़की दीदी ऐसे करती है और आज क्या बोल रही है, गया है कैप पहन के, तो बोलती दीदी सबको लग रहा है तुम्हारा शादी ही नहीं हुआ है, सभी को घूर घूर के लड़का सब देख रहा था, जो लड़के लड़की कुमार सब देख रहा था घूर घूर के उन लोग को बिंदी भी नहीं दिख रहा था। क्या उसको इतना बड़ा बिंदी नहीं दिख रहा था कि हम बिंदी लगा के जा रहे हैं। और हाँ, मेरी कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, फैंसी फ्रेंड्स, जो शादी के बाद ना बोलती है लाइक फैंसी फ्रेंड्स भी है। और क्या ही बोले आजकल का कल्चर, जिनको सिंदूर लगाना बहुत क्या बोलता है डाउनग्रेड फील करवाता है, बहुत वो कराता है कि अरे सिंदूर क्यों लगाए, ये क्यों करे, इसको लगाने से हम साबित करेंगे कि हम मैरिड है, नहीं लगाएंगे तो नहीं साबित करेंगे। बहुत लोग कह रहे ये तो बहन जी वाला चीज़ है, सिंदूर बिंदी लगाना, बिछुआ पहनना, भाई है तो है, हमको अच्छा लगता है। और अच्छा लगने से वो भी कि हम हिंदू हैं एंड आई प्राउड, तो हमको अच्छा लगता है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। अब आपको जो सोचना है जो समझना है करो, क्योंकि हमको वैसा फैंसी नहीं बनना, हमको वैसा मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न वाला जिंदगी में नहीं जाना है। मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना एथिक्स ही बदल दो, क्योंकि सिंदूर बिंदी का क्या क्या बोलता है उसको महत्व इम्पोर्टेंस क्या है वो हमारे पूर्वज से पूछो जाके। तो जो आजकल फैंसी वर्ल्ड में घुस चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, भाई आपको ही आपका मॉडर्न होना मुबारक। हमें ना, हमें ऐसा मॉडर्न वाला लाइफ नहीं जीना है। आई लव द वे आई एम, हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं। बस देखो मुझे हो गया, हो गया, उधर से देखो ज़रा मैं रस्सी बांध के पहन, ठीक है फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय।